तो गाइज मैं बिल्कुल ट्रैक रेडी हूँ, अपना बैकपैक वगैरह सब बांध लिया है मैंने अपनी कमर पे और निकल पड़े हैं एक एपिक जर्नी के लिए। बट यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये प्रेरणा फिर से तैयार वगैरह होके कंबल में छुप गई है। प्रेरणा चल मत ड्रामे कर। अबे यार क्या है, सिर्फ पैकिंग तो करी थी। डर लग रहा है, दुनिया की सबसे डेंजरस फ्लाइट होने वाली है। गाइज ये पागल हो चुका है, पता है इसने मुझे कल रात को बताया कि ये दुनिया की सबसे डेंजरस फ्लाइट है, सिर्फ 10 बंदे बैठ के जाते हैं इसमें। पता नहीं मैं जिंदा वापस आऊंगी भी नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे मैं ऐसा करता हूँ ना, तेरे को पैदल लेके जाते हैं। मेरे को नहीं जाना, पैदल चलेंगे। जाने नहीं, अरे कुछ नहीं होगा यार। नहीं वो पहले होती थी, अब नहीं है। तूने लेटेस्ट न्यूज देखी? अब वो दुनिया की सेफेस्ट फ्लाइट है। सेफेस्ट फ्लाइट है, इतना छोटा सा प्लेन होता है, वो ऐसे लैंड करता है फिर ऐसे टर्न हो जाता है। मुझे नहीं जाना प्लीज, मेरे हाथ जुड़वा ले, तू चला जा। अच्छा ऐसा काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुन सुन सुन, काठमांडू तक चलते हैं, वो तो सही है ना, वो तो सेफेस्ट है ना। दिल्ली से काठमांडू की फ्लाइट लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे लुकला जाना नहीं जाना। ओके डन, काठमांडू पोखरा घूम के आ जाएंगे, ठीक है। लुकला का कैंसिल कर देंगे, डर मत। लेट्स गो। नहीं लेट्स गो, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। मैं नहीं जाऊंगी। लेट्स गो। 10 seconds later। खा ले, ये तेरी आखिरी मील है घर में। बाय बाय टाटा। अबे घर पे उसके बाद तो नेपाल में चलेंगे। मुझे लगता है मेरी आखिरी मील है जिंदगी की है। अबे डरपोक, दुनिया जाती है। बोल यार, मेरे को डरा रहे तू तो। यहाँ पे तोहफे पैक हो रहे हैं, बाय बाय होम। वापस आके मिलते हैं, अगर वापस आ पाए तो। हर्ष नीचे जा चुका है, टैक्सी आ रही है। डर लग रहा है यार, दिल में धक धक हो रही है। चलो चलते हैं, फोन आ गया भाई। बाय डॉबी, आके मिलते हैं। बाय प्रेरणा, जिंदा वापस आना। ओके मम्मी, आके मिलते हैं। बैरी बोना वापस आए तो जरूर मिलेंगे, ऐसे ये बोलते हैं। ये टैक्सी आ गई है, डर लग रहा है मेरे को तो। लग रहा है अपना सोच चलना है ना। नहीं मुझे नहीं जाना। टैक्सी में बैठ चुके हैं, अभी भी सोच ले हर्ष, अभी भी चांस है वापस जाने का। तू सोच, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? सबको तूने दुखी करे, पर मुझे तूने दुखी करे, मतलब यू अंडरस्टैंड ना। मेरा दिमाग अभी मैं ही सबको दुखी कर रहा हूँ। प्रेरणा अभी मेरी बात हुई, भैया पता है कहाँ से है? नेपाल से है भैया। अभी क्या बात करते हो? पोखरा से है भैया। क्या बात कर रहे हो आप, नेपाल से? हाँ जी मैम, पोखरा से। क्या नाम है आपका? बेसबादर राना। वाह भैया, चलो आज हम जा रहे हैं नेपाल। मैंने खुद भैया को नेपाल से बुलाया कि भैया आप आओ, इसका डर कम करो। भैया बताओ कितना सेफ है ना लुकला एयरपोर्ट वगैरह? हाँ बिल्कुल ठीक है। भैया सच बताओ, लुकला तो बहुत ज्यादा मैंने सुना है डेंजरस है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है पक्का? पक्की बात है ना। बड़ा कोइंसिडेंस यार वैसे, सीरियसली। ओके भैया बाय। इतना डर है, इस लड़की ने फोन यहीं घेर दिया था अपना। बताना सच। अरे यार। देवियों और सजनों, उसी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो प्रेरणा टाइम आ गया है, पता है किस चीज का टाइम? फ्लाइट बोर्ड करने का। कौन सी फ्लाइट? मैं भाग रही हूँ। अबे काठमांडू की भाग मत प्रेरणा, इतना मत डर यार। ओए टाइम हो रहा है, प्लीज प्रेरणा रुक। भाग के छुप गई है, इतना कौन डरता है यार, फ्लाइट ही तो है। सीरियसली पागल है यार ये लड़की, कहीं भी नहीं दिख रही यार। पता नहीं कहाँ ढूंढूं इतने बड़े एयरपोर्ट पे, इसको कॉल करता हूँ। गाइस हर्ष इसे बहुत हल्के में ले रहा है, बट एक्चुअल में लुकला की फ्लाइट सबसे डेंजरस फ्लाइट मानी जाती है पूरी दुनिया में। आप गूगल करके इसकी लैंडिंग देख सकते हो, इट्स टू स्कैरी। अभी हर्ष ना पता नहीं मुझे ढूंढ रहा होगा, और फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। मैं यहाँ योगा क्षेत्र में आके छुप गई हूँ, बिना कैमरा यूज करना भी अलाउड नहीं यहाँ पे। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम सो स्कैर्ड। कहाँ है? लेट्स फाइंड आउट। हर्ष फोन कर रहा है यार मेरे को। हाँ हर्ष, हाँ अभी तो मेरे सामने खड़ा है। मैं छुप के बैठी हूँ तेरे से यार, मेरे को डर लग रहा है। अनाउंसमेंट हो गई है क्या? जाना पड़ेगा क्या? मुझे डर लग रहा है यार, ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। अच्छा आ रही हूँ, बाहर आ रही हूँ। ओके तो क्या तरीका यार, वो 2 बार अनाउंसमेंट कर चुके, फोन कर चुके। व्हाट इज दिस बिहेवियर? चल यार चल। जा नेपाल, मैं यहीं सो रहा हूँ। देखो 1% भी डर नहीं लग रहा। मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट, मतलब 10 बंदे बैठेंगे उस प्लेन में, चार्टर्ड प्लेन। इतना छोटा सा प्लेन उड़ेगा और फिर टर्न लेगा। प्रेरणा थोड़ी बहुत हेल्प तो करा दे, थोड़े से कपड़े रह गए यार बस। मेरे को ना हेडेक हो रहा है मेरा, अभी मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है, शांति पाठ करने थे, ओम शांति। भाई कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, फ्लाइट टू लुकला। छोड़ यार, रहने दे। इतना मत डर यार, ये देख सब लोग जाते हैं, इतने लोगों से तेरे को मिलवाया। ये हमारे बैग्स पैक हो गए हैं, बट ये थोड़ा बहुत सामान पड़ा है जिसमें इस लड़की ने बिल्कुल हेल्प नहीं कराई पैकिंग में। जीरो इनपुट्स प्रेरणा के। गोना बी लाइफ चेंजिंग ट्रिप। इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग ट्रिप। हर्ष द नेक्स्ट मॉर्निंग काउंटर इज क्लोज। प्रॉब्लम इज जो पहली फ्लाइट है वो भी अभी तक नहीं गई है, वो लोग वेट कर रहे हैं वेटिंग रूम में, हमें यहाँ वेट करना है। बहुत फॉग है लुकला साइड, अब क्या करें प्रेरणा? वेट करते हैं और क्या करें। कितनी खुश है ना? यस, इतनी खुश है मुझे। एंड जस्ट बाई चांस इनकी सिस्टर हमारी वीडियोस देखते हैं। Yes, she is your fan. Thank you. आपका नाम क्या है? मैं नवीन। नवीन। और आपकी सिस्टर? सिस्टर सुष्मिता राय। हाय सुष्मिता। हाय सुष्मिता। We have to wait now, right? Yeah, you need to wait because the airport is closed. मुझसे ज्यादा ना इस दुनिया में कोई खुश नहीं होगा। फ्लाइट ही नहीं है अभी। ये मेरी प्रेयर्स का नतीजा है, भगवान ने सुन ली मेरी। यार पहले एक बात बताइए, कैब मेरी नहीं थी? अरे यार हटा, जो तेरा है वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुदार आर यू अंडर गाइज। अभी हम लाइव वेदर देखने आए हैं कि लुकला में क्यों नहीं चल रही फ्लाइट। ओके, लाइव एयरपोर्ट वी कैन सी द लुकला, द हिल्स आर कवर्ड अप। सीरियसली ऊपर का देखिए एवरेस्ट साइड। बाय एनी चांस कब तक क्लियर होगा, कुछ आइडिया? मे बी half an hour to 1 hour it will be clear. half an hour to 1 hour let's hope for the best. जल्दी क्लियर हो यार, जल्दी जाए यार। 1 घंटे से ऊपर हो गया वेट करते हुए और मजे से चाय पी रही है, इसको कोई मतलब नहीं है। मेरा क्या, मैं चाय पीऊंगी, एयरपोर्ट पे बैठूंगी और अभी थोड़ी देर बाद फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, फिर मैं वापस जाकर सो जाऊंगी चद्दर तान के। हमारी ट्रिप का क्या होगा प्रेरणा? काठमांडू घूम के चले जाएंगे वापस यार। Okay, have a nice flight. Thank you. Have a nice trip. Thank you. So guys, हम एक्चुअल में रश कर रहे हैं। हर्ष को बिल्कुल जल्दी नहीं हो रही है, मुझे हो रही है बिकॉज एटलीस्ट डेंजरस में बैठना है तो बैठना है, बट एटलीस्ट सीट्स तो हमारी माउंटेन साइड वाली होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आगे बैठ जाएंगे, ऐसा लगेगा प्लेन हम ही उड़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, लेट्स सी। छोटा एयरक्राफ्ट है, डर लग रहा है। 20 पैसेंजर्स होने वाला है सिर्फ, लगेज भी एकदम लिमिटेड है हमारा, बिल्कुल ही सही था। कम प्रेरणा कम। ओके, डर तो नहीं लग रहा? बहुत। ओबे इसमें तो खड़े भी नहीं हो सकते। गाइस इतना बड़ा प्लेन है कि मैं पूरी नहीं आ पा रही फिट। एक्चुअली सबको बहुत नीचे ऐसे हेड कर जाना पड़ रहा है बिकॉज़ इट्स टू टाइनी। इट्स एक्चुअली अ पैराग्लाइडिंग प्लेन, इतना छोटा है। तू पैराग्लाइडिंग का मत सोचियो। Thank you, sir. Oh, thank you, sir. Thank you so much. It was a great landing. Seriously. Thank you, ma'am. It was a great flight. Thank you. Thank you. और ऐसे ही दुनिया की सबसे खतरनाक फ्लाइट में बैठ के मैं और हर्ष पहुंच गए अपनी पहली मंजिल की तरफ, जो था बहुत ही ऊंचा पहाड़ एवरेस्ट। Anyway, एवरेस्ट की सीरीज तो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, पर उससे भी जल्दी आने वाला है हमारा म्यूजिक वीडियो पूरे 6 months बाद। तेरा इश्क अब हुआ आपका। तो चलो जल्दी जल्दी पोस्टर को प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं। तो 9 दिसंबर को आ रहा है तेरा इश्क, जल्दी से अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अलार्म सेट कर लो। मिलते हैं 9 दिसंबर को। लेट्स गो गाइस।